हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। तो हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं गांव जाने के लिए। फटाफट चलते हैं, निकलते हैं गांव के लिए। और आप लोग भी हमारा गाँव देखिएगा और बताइएगा कि हमारा गाँव आपको कैसा लगा। तो चलते हैं, फटाफट निकलते हैं गाँव जाने के लिए। तो हम लोग को रास्ता अपना चेंज करना पड़ा, क्योंकि हम लोग आगे से गए, उधर से दम पास में पहुंच गए थे, लेकिन उधर पुलिया बन रही थी तो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। तो अब हम लोग फिर से टर्न लिए हैं। तो अब हम लोग गांव गांव जाएंगे रास्ते से हो करके। चारों तरफ यहाँ देखिए, सिर्फ खेती खेती हुई है, पूरी खेती हुई है। इधर बैगन वगैरह सब उगाए गए हैं, उड़द मूंग और टमाटर की खेती देखिए, टमाटर की खेती भी हुई है इधर। करेला है वो चढ़ाए हैं जो करेला कुंदरू उंदरू सब इधर पूरा उगाया गया है। हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी दूर में हम लोग एकदम गांव के अंदर आ जाएंगे। अभी गांव के बाहर ही हैं हम लोग। और मम्मी देखिए, सर पे पल्ला उल्ला रख के एकदम रेडी हो गई हैं गांव की सीमा में पहुंचते ही। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अपने गांव। अब ये चाची आ गई। इधर देखो जरा, ये शुभम है। शुभम तो लग रहा है देवता उतर पूजे हैं कल। शुभम कहाँ गई? रोली डिजाइनर देख ले आए, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये वही कर भाई। अरे कहाँ यहाँ क्या हो रहा है? कौन कौन है इधर देखो? ए टिकटॉक चालू किया, नहीं पहने।
और ये हमारे गांव की जो हैं फैशन डिजाइनर हैं, इनका नाम है रोली। और गांव की सारी महिलाएं जो है इन्हीं से कपड़ा सिलवाती हैं, बहुत अच्छी सिलाई करती है ये। और पता है ये, और कहते फ्री में भी सिलती है ये पैसा वैसा नहीं लेती है ये किसी से पैसा नहीं लेती है। और एक बार मैंने देखा था 20 ब्लाउज ली थी अपनी किसी सहेली का, और उनकी शादी थी, और सोचिए 20 ब्लाउज ये फ्री में सिल रही थी। ऐसे टेलर हो जाए ना हमारे समाज में तो कितना अच्छा रहे कि फ्री में कपड़े सिल दे। और ये रोली को पेप्सी पीना है, करी जल्दी चलिए नहीं पेप्सी छूट जाएगी। चलो 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 चलते हैं पेप्सी पीने के लिए। और हम लोग चल रहे हैं अपने गांव में, अब थोड़ा सा गांव का भ्रमण करते हैं। ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर पर बैठेंगे। और यहाँ देखिए कल्पना को ट्रैक्टर चलाने जा रही है। अब ये हमारे एक चाचा जी हैं, उनका ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब ये ट्रैक्टर चला रही हैं। और ये हम लोग आ गए हैं अपने सबसे छोटे वाले दादाजी के घर आ गए हैं, सबसे छोटे वाले बाबूजी के घर आ गए हैं। इधर आओ। और ये देखिए पीछे शशांक हैं, ये हमारे ये चाचा के बेटे हैं। पूछ रहे हैं दीदी आप क्या कर रही हैं, कैमरा देख के पूछ रहे हैं क्या कर रही हैं ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब पे आएगा देखना, ठीक है। और ये हमारे छोटे बाबू जी हैं, छोटे बाबू जी हैं हमारे दादाजी के, छोटे हमारे दादाजी के सब छोटे भाई लाडले भाई हैं, इनको प्यार से सब बोलते हैं ननका। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे भाई हैं, मैं घर में जो है सबसे बड़ी हूँ, और ये जो है सबसे छोटे छोटे भाई हैं, अभी और भी छोटे छोटे भाई बहन मेरे हैं। और ये तुम्हारा क्या नाम है बताओ? सूर्या। हाँ क्या नाम है? सूर्या। सूर्या शर्यांत नाम है। और इनका नाम क्या? शशांक। ये दोनों भाई हैं, बहुत शैतान, इतने शैतान ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं, इनकी शैतानी तो मैं ही जानती हूँ कितने शैतान है ये। क्यों? और ये देखिए पर्दे के पीछे से हमारी चाची जो है देख रही हैं, ये चाची हमारी हैं, और ये पर्दे पीछे देख रही है क्या कौन कौन आया है घर में। ये घर में सब ये बड़ी है, और ये एक देवरानी है, ये खड़ी है एक जो पछवा ये देखता है। और ये देखिए ये हमारा पेड़ है करौंधे का है, कितना सारा इसमें करौंधा लगा हुआ है आप देख लीजिए, एकदम लाल हुआ है पेड़, बहुत ज्यादा करौंधा इसमें लगा हुआ है। और ये जो है हमारे छोटू भाई हैं, छोटू भाई ये टिकटॉक बनाते हैं, और बनाते थे और टिकटॉक बंद हो गया है, तो इसमें अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और जब मैं गई इनसे मिलने के लिए तो सो रहे थे, अभी मॉर्निंग उठे तो नहा दो, फिर नींद आ गई तो सोने लगे थे हम, और टी शर्ट उधर नहीं पहने थे, दीदी पहुंची सरप्राइज दी और ब्लॉग बना रही थी हम, चद्दर उधर कुछ था ओढ़ लिए पूरा जल्दी से उठे और टी शर्ट पहने, फिर हम लोग अभी आए हैं अपने बाग में, हम लोगों की बाग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बगिया है, अभी सबको हम दिखाएंगे थोड़ा 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 चाचा की दुकान भी है, हम लोग आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है आइए सबसे मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। और हम लोग आ गए हैं अपने गोलू चाचा की शॉप पे, जो की अभी अभी न्यू ओपन हुई है, तो दिखाते हैं आपको। और ये गोलू की शॉप है, कहाँ है गोलू? गोलू की नई नई शॉप खुल गई है, और मुझे ठंडा मिल चुका है। अच्छा इनको ठंडा मिल चुका है पीने के लिए। ये हम लोग अपनी बाग में आ गए हैं, यहाँ फोटो बहुत अच्छी आ रही है ना, और यहाँ पर हम लोग अपनी बगिया में आ गए हैं, कल्पना को देखिए ठंडा पी रही है। और ये यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ हैं, और भी बेल के पेड़ हैं, और फूल वगैरह के पेड़ हैं। और ये जो आमों के पेड़ हैं, ये हमारी दादी ने लगाए थे, दादी के लगाए हुए पेड़ हैं, जो फालतू बात ना बोला। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक मोर छुप के बैठा हुआ है, और सिर्फ इसकी पूंछ दिख रही है, पीछे का हिस्सा दिख रहा है, ये देखिए।
और हमारे बाग में ना मोर बहुत सारे मोर आते हैं और ढेर सारे पंख भी गिराते हैं देखिए। और ये महुए का पेड़ है, महुए के पेड़ पर बैठा हुआ है ये, पता नहीं कहाँ चला गया, दिख भी नहीं रहा है, मेरी आवाज़ से ना छुप गया वो जाकर कहीं। और यहाँ पर देखिए एक चिड़िया जो है घोंसला बनाई है और इसके अंदर बच्चे दे रखी है, और मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चिड़िया ने मतलब घोंसले बनाए हैं, और इसके अंदर बच्चे भी हैं छोटे छोटे, ये लोग बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। और ये देखिए ये लोग भैया लोग हमारे छोटे भैया लोग जामुन तोड़ रहे हैं, फली है लाल हुई है अभी, अभी ये बारिश होगी तो और ज़्यादा। हाँ ये देखो फ्रेश जामुन खाई जा रही है। और ये देखिए इस पेड़ में कितने सारे आम फले हुए हैं। देखिए कितने सारे आम फले हुए हैं। और यहाँ पर ये कुछ पेड़ लगे हुए हैं, लिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं तालाब के पास, अपने गांव का तालाब आपको दिखाएंगे। फिलहाल उसमें अभी पानी नहीं है, सूखा हुआ है और काफ़ी पुराना तालाब है। तो जब हम लोग छोटे थे तो उसी तालाब में नहाते थे, बरसात में पानी भरता था तो उसी तालाब में हम लोग नहाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। पता नहीं अब लोग नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, मुझे नहीं मालूम, हम लोग तो बहुत नहाए हैं जब छोटे थे उस तालाब में। तो ये आ गया तालाब, यहाँ से हम लोग पहले नीचे उतरते हैं, आइए इधर ऊपर से चलें, चलो ऊपर चलते हैं। अच्छा ऐसे बाइक से आवे कम से कम 10-15 मिनट बजिए, मुझे रिकॉर्डिंग चलता ही रहा। ये हमारे गांव का जो है भीटा है, तो हमारे यहाँ ये ऊंचाई का थोड़ा सा तालाब से ऊंचाई पर है तो इसको भीटा बोलते हैं। और ये तालाब है हमारे गांव का, तो अभी इसमें पानी बहुत कम है, जब बरसात आएगी तो पानी मतलब ऊपर तक एकदम आ जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं पेड़ है, ये तो हमें तो तैरना आता नहीं था छोटे थे, तो इसी पेड़ की जड़ को पकड़ के हम लोग इसी में नहाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये हमारा पूरा ये सब बाग जो ये जो यहाँ बाग में आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे पेड़ हमारे ही हैं। और ये सांझे में पेड़ हैं, जो अभी इससे पहले जो बाग में गए थे वो हमारी मतलब अपनी पर्सनल बाग है, और ये जो है सांझे की बाग है। तो इसमें कई लोगों का हिस्सा है, जैसे आम टूटेगा तो कई लोगों का उसमें हिस्सा लगता है, और ये जैसे महुआ टूटेगा तो महुआ जब चूता है तो उसमें भी कई लोगों का हिस्सा लगता है, तो इस तरह से है ये। तो ये सब सांझे वाली बाग है, और हमारी जो पर्सनल बाग थी वो वहाँ पर थी। इसके अलावा और भी हमारे मतलब कई जगह पर खेत हैं, जैसे उस जगह एक जगह को बोलते हैं तिनतरौना बोलते हैं, और एक जगह जो है बंथरिया बोलते हैं, और ताल है। तो हमारे यहाँ ना चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, धान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा इधर ताल तलैया है, तो यहाँ पर धान ज़्यादा पैदा होता है, तो चावल इतना ज़्यादा पैदा होता है हम लोगों के यहाँ कि मतलब 4-5 साल का पुराना चावल भी घर में रखा रहता है। तो अभी हम लोग वापस चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोपहर में आए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धूप है और गर्मी भी है, तो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि घर से चाची का फ़ोन आया था, बोले तुम लोग आ जाओ धूप बहुत तेज है। तो चल रहे हैं अब घर के लिए, तो बीच में कहीं नहीं रुके तो घर के लिए सीधे जाएंगे हम लोग। और यहाँ देखिए कल्पना और ओली को, और ये आम की डाल ओल पकड़ के, और यहाँ पर जो है क्या कर रही हैं ये लोग, आम तोड़ो एकदम नीचे हाँ। और ये यहाँ पर आम फले हुए हैं, और ये मीठा वाला आम है, तो कल्पना बोल रही है कि ये आम तोड़ो, और ये किसी दूसरे का पेड़ है, दूसरे के पेड़ में से नहीं तोड़ना चाहिए, गलत बात है। और काफ़ी अब कल्पना कह रही है, कल्पना आम तोड़ने की जिद कर रही है, और ये दूसरे का पेड़ है, तो सीबू कह रहा है कि नहीं दूसरे का पेड़ है, दूसरे के पेड़ में आम ना तोड़े चाहिए कल्पना। यहाँ पर जो है कल्पना का आम तोड़ने का बहुत मन कर रहा है, और लेकिन पहुँच नहीं पा रही है। ढेला मारो कल्पना, ढेला मारो ऐसे आम नहीं टूटता है, ढेला टूटता है, ढेला नहीं आएगा, गोबर फेंको फिर, गोबर फेंको फिर। तो अभी हम लोग शाम में आएंगे तब आम तोड़ेंगे, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए अभी हम लोग वापस चल रहे हैं।
हमारे गांव का आपको दो ब्लॉग टूर देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग वन है और ब्लॉग टू आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारा गांव कैसा लगा ये भी हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही हमारे मेन कुकिंग चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई को भी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।